नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न था और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, कभी वीडियो में कमेंट के माध्यम से, कभी व्हाट्सएप पे हमारे जो ऑफिस के नंबर हैं, संस्थान का जो नंबर है उस पर, कि सर महिलाएं कैसे तैयारी करें। महिलाओं के साथ बड़ी समस्याएं होती हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो एक बात तो सच ये है कि जिसके ऊपर ये चीज़ें बीतती हैं, जो इन समस्याओं को महसूस करता है, इन समस्याओं का सामना करता है, वही इसको बेटर जान सकता है। और सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। लेकिन आप लोगों ने इतनी बार ये चीज़ें पूछी हैं, लाइव सेशन में भी पूछी हैं, क्लास में भी पूछी हैं, तो मेरे समझ में जो आ रहा है कि इसका क्या उपाय हो सकता है या कैसे पढ़ाई महिलाएं कर सकती हैं, तो वो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। महिलाओं के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं वर्किंग महिलाएं और दूसरा एक समूह है जिसको हम कहते हैं घरेलू महिलाएं। तो जो वर्किंग महिलाएं हैं उनको पूरी दुनिया जानती है कि ये वर्किंग है, लेकिन दूसरा जो समूह है जो घरेलू महिलाओं का है, इनको लोग कहते हैं कि ये कुछ काम नहीं करती हैं, ये घर पे बैठी रहती हैं। यहीं पर थोड़ा सा हम गलत हो जाते हैं। गलत ये हो जाते हैं कि कोई भी महिला वर्किंग ही होती है, किसी भी महिला का वर्किंग ना होना ऐसा संभव ही नहीं है। सारी महिलाएं वर्किंग होती हैं। ये वो महिलाएं जिनको हम वर्किंग में रखते हैं, ये जो नौकरी पेशा वाली महिलाएं हैं उनको हम कह देते हैं, कोई सरकारी जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, और घरेलू महिलाएं चाहे वो ये हो और चाहे ये हो, दोनों एक निश्चित उनका जॉब है जो घर का काम रोज करती हैं। तो यहाँ अगर वर्किंग की बात की जाए तो घर का काम करने वाली महिलाएं भी तो वर्किंग हुई। बाहर जाके कोई 8 घंटे का काम करता है और ये लोग तो 24 घंटे ड्यूटी देती हैं, पूरे परिवार के लिए इनका काम होता है। हो सकता है ये महिला कहीं बाहर रह रही हो, वर्किंग है तो नौकरी करती हो और केवल अपने लिए काम करती हो, लेकिन घर पे रहने वाली महिला पूरी फैमिली के लिए काम करती है। तो इनके साथ चैलेंज ज़्यादा होते हैं। परिवार वाले भी सोचते हैं कि ये घर पे काम करती है तो इसको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं देते या बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देते, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, महत्व नहीं देते। तो इनके साथ चैलेंजेस ज़्यादा हैं। चैलेंजेस इनके साथ भी हैं क्योंकि इनकी नौकरी डबल होती है। एक तो ये घर पे काम कर रही हैं, उसके बाद में नौकरी भी कर रही हैं, या नौकरी कर रही हैं और साथ में घर का काम कर रही हैं। तो अब समय कहाँ से लाएं? एक छात्र होता है या कोई लड़की होती है जो केवल तैयारी के लिए प्रयागराज में, लखनऊ में, दिल्ली में कहीं पर रहती है, तैयारी करती है। और एक ऐसा वर्ग है जो तैयारी करना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए। ये जो रेगुलर काम होते हैं, अगर इन कामों को एक समय निर्धारित करके इसको किया जाए और इन कामों को इस तरीके से देखा जाए कि ये हमारे जो काम हैं वो अगर सही समय से समाप्त हो जाए तो हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर इन कामों को हम देख रहे हैं इस नज़रिए से, तो हम इसका समय बांटेंगे। बेसिकली जो ये काम होते हैं ये डेली के होते हैं और जिसके जिम्मे होते हैं उसी के जिम्मे होते हैं। ये वो काम है, चाय नाश्ता बनाना, खाना बनाना, कपड़े धुलना, है ना, ये वो काम है। तो ऐसे कामों के लिए हर महिला को जो समय चाहिए
वो तो चाहिए ही, लेकिन कई बार पूरे दिन ये काम चलते रहते हैं। अगर चाय और नाश्ते का, सुबह का मान लीजिए कि दो बार चाय नाश्ता आपको बनाना पड़ता है बेसिकली सुबह, तो मॉर्निंग में एक निश्चित समय कर दिया जाए कि इतने बजे चाय बनाना है और इतने बजे चाय बना के सबको सर्व कर देनी है। तो कई बार लगेगा कि फला जो व्यक्ति है परिवार का वो 8 बजे उठता है, एक व्यक्ति है उसकी ऑफिस 10 बजे से होती है, एक है कोई जिसका स्कूल या कॉलेज सुबह होता है और जल्दी, और कोई है जो पूजा पाठ करके 12 बजे खाना पीना खाता है, चाय नाश्ता करता है, तब तक वो पानी ही नहीं पी रहा है, खास करके जो बूढ़े लोग होते हैं, घर के बुजुर्ग वर्ग हैं। तो एक बीच का समय आप इसमें निकालिए और निर्धारित कर दीजिए कि मैं रोज़ नाश्ता दूंगी, समय से दूंगी, आपको चाय भी मिलेगी समय से, लेकिन थोड़ा सा समय हमारे हिसाब से होगा। और उसमें आप बता दीजिए कि ये समय मान लीजिए कि सुबह 8 बजे के आसपास है, तो उसी समय आप सारा काम निपटाइए और जो और लोग हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लीजिए। परिवार में अपने लक्ष्य की आप चर्चा कर दीजिए, जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, वो परिवार में आप बता दीजिए। छुपा के कई बार आप तैयारी करती हैं तो आपको लगता है कि हम जब कर ले जाएंगे बड़ा तो सब बदल जाएगा, एकदम से सब लोग जानेंगे, और बड़ा संघर्ष के साथ आप तैयारी करती हैं। आप चर्चा करिए, घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए, प्यार से कहिए, माता जी पिताजी हैं या दादी बाबा हैं, जो पीढ़ी उपलब्ध है, अगर आप परिवार के साथ रहती हैं तो, अगर आप अपने पति के साथ रहती हैं तो पति से ये बात आप कह सकती हैं कि ऐसा है कि चाय नाश्ता ठीक है लेकिन बार बार नहीं। तो एक समय ये हो जाएगा कि सुबह 8 बजे हमने मॉर्निंग में नाश्ता दे दिया, या 9 बजे, जो भी एक टाइम निर्धारित कर लिया कि आधे एक घंटे के बीच में बना देना है। इवनिंग में भी एक टाइम रख लिया, खाने का भी एक टाइम रख लिया, टिफ़िन बनाना है तो सुबह नाश्ते के साथ ही वो हो गया, और कपड़े धुलने का काम हमने क्या किया कि रोज़ रोज़ ना करके उसको तीसरे चौथे दिन कर लिया, अगर वॉशिंग मशीन है तो उसका उपयोग किया, नहीं है तो थोड़ा सा बार बार कपड़े नहीं धुलेंगे। कुछ ऐसे कपड़े भी हैं मार्केट में जो कम मेहनत में तैयार हो जाते हैं, हर कपड़े को बराबर तरीके से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पुरुष और महिला दोनों वर्ग के आते हैं, क्योंकि महिलाओं को तो पुरुषों के कपड़े भी मेंटेन करने हैं, बाबूजी ऑफिस पहन के जाएंगे क्या, तो ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इनके लिए आप टाइम फिक्स कर दीजिए और परिवार को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप छुपा के तैयारी मत करिए, प्यार से बिल्कुल शांति पूर्वक आप उनके सामने बात रखेंगे तो हर समस्या का हल निकल आता है। जो भी आपके यहाँ लोग हैं परिवार में, तो उनसे आप चर्चा करके इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके ये काम कर लीजिए। सुबह मान लीजिए कि आपने 6 बजे आप जग गई और 6 बजे उठ के बच्चे को स्कूल जाना है या किसी घर के और किसी सदस्य को, बहुत सारे लोग होते हैं उनको कॉलेज स्कूल जाना है, टिफ़िन तैयार करना है, तो आप कोशिश करिए कि 6 बजे से 8 बजे के बीच में ये सारा काम निपटा लीजिए। फिर दिन में आपको घर पे रहना है तो 8 बजे ये काम निपट गया। खाना का जो समय है थोड़ा सा उसको पोस्टपोन करिए, लोगों ने नाश्ता किया है तो इतनी जल्दी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उसको छोड़िए। और अब क्या हुआ, 9 बजे के आसपास आप पढ़ने बैठ जाइए और 9 से 11 के बीच में बिल्कुल फ्रेश पढ़ाई करिए और ये 2 घंटे का समय आप टुकड़ों में निकाल लीजिए। 11 के बाद, 11:30 के बाद, 12:00-1 के आसपास आपको खाना निपटाना है, तो अब बनाना भी उसी समय शुरू करिए और बना के लगे लगे आप क्या करिए, खाना उसको खा के खिला के ख़त्म करिए और फिर से अगली शिफ्ट थोड़ा सा आराम करने के बाद में 2 बजे से 4 बजे के बीच का रख लीजिए, 2 घंटे का फिर से ये समय निकालिए। जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और टुकड़ों में ऐसे 2-2 घंटे का समय आप निकालते चले जाइए। शाम के नाश्ते का, चाय का समय आ गया, सबको चाय एक साथ दी, वहीं पे बैठ के अपना खुद बातचीत करके थोड़ा सा माइंड फ्रेश किया। डायरेक्ट किचन से किताब उठाने में भी दिक्कत होती है, डायरेक्ट किचन से अगर किताब आप उठाएंगी तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग शांत ही नहीं रहेगा, पसीने से तर लथपथ है ना, बढ़िया सा चाय का सब चाय पत्ती इधर गिरी हुई, चीनी हाथ में लगी हुई, ऐसे कैसे मन करेगा। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा
ध्यान करना चाहिए। और ये वो ध्यान नहीं है कि लगा के ध्यान घंटों बैठे रहे, 2 मिनट आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, अपने टारगेट को याद करिए, लक्ष्य को याद करिए, और लक्ष्य को याद करने के बाद में फिर से जुट जाइए। चाय बनाने के बाद भी आपको पढ़ना है, 1-2 घंटे का टाइम फिर से निकाल लिया, 4 से 5 के बीच में सारा काम हो गया, बैठ के हंसी चिटोली भी कर ली, थोड़ा बहुत रेस्ट भी हो गया, कुछ अपना बातचीत भी हो गई, बच्चों से भी समय जो आपको देना है बातचीत कर लिया, और बाद में 5 बजे से 7 बजे के बीच में फिर आपने एक शिफ्ट मारा। और जब भी आप किसी काम से पढ़ाई और पढ़ाई से किसी काम में जा रहे हैं, तो आपको एक माहौल चेंज होते मिलेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो पढ़ाई के बाद कोई और काम नहीं सही से होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर पढ़ाई रोज सही से नहीं होगी तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा। तो थोड़ा सा ध्यान, लंबी सांसें, 2 मिनट में अपने को खुली हवा में जाके टहल के फिर ऐसे मेंटेन कर लेना, ऐसे शांत कर लेना, अपने टारगेट को ध्यान कर लेना कि सब कुछ पीछे का जो हो गया सो हो गया, चाय नाश्ता हो गया, अब पूरा ध्यान पढ़ाई पे जरूरी है। और इससे क्या होता है, हमेशा लक्ष्य आपके दिमाग में रहता है, आपका टारगेट, आपका गोल आपके दिमाग में रहता है, आप हमेशा सोचती रहती है कि आपका लक्ष्य क्या है। घड़ी आपने देखा कि हाँ अब पढ़ना है हमको, 4 बजे से तो हमें पढ़ना था, 5 बजे से हमको पढ़ना था, थोड़ा बहुत ये टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन टुकड़ों में ही टाइम मिलेगा, टुकड़ों में ही टाइम मिलके वो बड़ा बनेगा, 6 घंटे 7 घंटे आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा। और बहुत ख़राब शेड्यूल कभी मत बनाइए कि रात में सब निपटा के पूरी रात पढ़ रहे हैं, सुबह फिर 4-5 बजे तक पढ़ के फिर सोए हैं, फिर 4 बजे क्योंकि नाश्ता और टिफ़िन देना है फिर आप उठ गई हैं, कितने दिन पढ़ेंगी, हफ्ते 10 दिन महीने भर बीमार हो जाएंगी, अनिद्रा, सब मांसपेशियाँ सब ये फूलने लगेंगी, दिक्कत हो जाएगी, पागलपन की स्थिति आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो दिमाग में अपने लक्ष्य को रख के और टुकड़ों में बार बार काम और फिर पढ़ाई, फिर काम फिर पढ़ाई, ऐसे आपको चलते रहना है, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, छोटे छोटे स्लॉट्स में। और वैसे भी कोई 8 घंटे एक साथ नहीं पढ़ता है, इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, कोई भी पढ़ता है तो ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ता रहता है, 7-8 घंटे पढ़ता रहता है, कोई भी पढ़ता है तो 1 घंटे 45 मिनट पढ़ता है, फिर थोड़ा सा टहलता है, पानी चाय कुछ उसको चाहिए, फिर से एक पावर नैप, हल्का सा आराम, थोड़ा सा दिमाग को शांत किया, 8 घंटे कौन सा पढ़ता है। तो बीच में जो आपका ये दूसरा काम है इसको इन्जॉय करिए। यकीन मानिए, मुझे पता है कि आपको ये लगेगा कि कितने बढ़िया से बता रहे हैं, बड़े आसानी से, खुद करना पड़े तो जाने, हो जाएगा, आप यकीन करिए, इसको करके देखिए, ऐसा होगा। और सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि जब हम सामाजिक ज़्यादा बने रहते हैं, महिलाओं में ये गुण कई बार जिम्मेदारी ढोते ढोते और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो वो चाहे फैमिली की जिम्मेदारी हो और चाहे मोहल्ले की जिम्मेदारी हो और चाहे वो सोसाइटी की जिम्मेदारी हो, हर तरीके से हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और आजकल का ज़माना तो यही है ना कि आजकल तो स्टेटस वार खेले जाते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के जताया जाता है, गानों के माध्यम से या बहुत सारे शहरी शायरियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, या एक से एक दुखी आत्माएं हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखा करती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो जब इकट्ठी होती हैं आपके दिमाग में तो अवसाद लेके आती हैं, थोड़ा सा कम सोशल रहिए, न किसी पे कमेंट करिए और न किसी का देखिए, आप ये सारी चीज़ जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयारी कर रही हैं, आप जिले स्तर पे पहुंचने के लिए, प्रदेश स्तर पे किसी ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए तैयार हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी इस समय की जिम्मेदारियों को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आप महसूस करेंगी उतनी ज़्यादा उलझ जाएंगी। अब वो चाहे परिवार की हो, हालांकि आपका पति भी अगर आपसे किसी बात पे थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दिखाएं कि हम जीत गए, इस कलहपूर्ण वातावरण से आपको बचना है, यहाँ जीतने हारने की बात नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी से लड़ाई करके, बहस करके और उस समय जीत ही जाती हैं, तो आपका कितना नुकसान हुआ, आप 2 दिन नहीं पढ़ पाई, तो जीता तो असल में वो, आपने बहस कर लिया, आप अपने को जीता हुआ महसूस कर रही हैं, लेकिन आप नहीं जीती हैं,
जीत गया वो क्योंकि आपका शेड्यूल गड़बड़ कर दिया, परिवार का कोई भी सदस्य। कई बार लोगों से कि सासू माँ से लड़ाई हो जाती है, अपनी नंदों से लड़ाई हो जाती है ना, और पति से तो होती ही रहती है। तो ऐसे में बहस ना करें, उसको छोड़ दें। आप बहस आदमी क्यों करता है? कोई भी बहस इसलिए करता है कि हम, हमारा पक्ष मजबूत है, हम जीत रहे हैं, हम ही, हमारा, हमारी बात सही थी, आपकी बात गलत थी। छोड़ दीजिए, सही गलत का फैसला करना आपका काम नहीं है। कोई कुछ कह भी रहा है, हाँ ठीक है, कोई कह रहा है हाँ ये ठीक है, ये आम का पेड़ है, हाँ ठीक है, इसमें तो इमली लगी, हाँ ठीक है, तो कोई कह अजीब पागल है। और कुछ दिन बाद ये तो लोग इग्नोर करने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर आपको करना है, सोशल दायरे को भी सीमित करना है, और सोशल दायरे को सीमित करने के साथ साथ पारिवारिक कलह से बचना है। आपके दिमाग में, आपके हर पल, हर छिन आपके सामने आपका टारगेट नाचना चाहिए। एक दीवानगी होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए पढ़ाई का, आपको दिखना चाहिए। आपको अगर अधिकारी बनना है तो हर समय आपको नज़र आना चाहिए कि हमारा काम ये नहीं है कि हम लड़ाई करते रहें, छोटी छोटी बातों पे आप बहस कर रही हैं, है ना। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं कि वो दरवाजे पे पानी इधर धुलाई हो रही थी तो उधर दो मग्गा पड़ गया, बस लड़ने लगी, या उन्होंने खुद डाल दिया कि चलो लड़ाई हो जाएगी, आज दिन भर का एंजॉयमेंट इसी में हो जाएगा। कूड़ा फेंक दिया, है ना, झाड़ू लगाया तो कूड़ा इधर कर दिया, पेड़ की पत्तियां इधर गिरा दी। इन सब चीज़ों से बचना है। तो अगर ऐसा आप करेंगी तो फिर ये समय आपको नहीं, तो टुकड़ों में जो समय मिला है 6 से 8 घंटे ऐसे निकाल लीजिए, एक एक 1.5-1.5 घंटे, 2-2 घंटे करके। रात में फिर एक शिफ्ट मार लीजिए, खाने के बाद आपने 9-10 बजे खाना समाप्त किया तो खाने के बाद भी एक शिफ्ट आपने कर लिया पढ़ाई, है ना, तो 6 घंटे आपका हो गया। भाई सुबह किया 9 से 11, दोपहर में खाना वाना खाया, थोड़ा सा आराम किया 2 से 4 किया, और शाम को फिर से एक शिफ्ट मार लिया 1.5-2 घंटे का, 6 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई। क्योंकि आपके अंदर अगर जुनून है, जोश है, तो ये काम हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है, कई बार जब आप सफल होना चाहती हैं तो आपको लगता है कि जितने फॉर्म आते हैं उनको सबको भर देना चाहिए, कहीं ना कहीं तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। टीचिंग का भी आप एग्ज़ाम दे रही हैं, आप आरओ यारो का एग्ज़ाम भी दे देती हैं, आप वीडियो का एग्ज़ाम भी दे देती हैं, आप UPPCS का फॉर्म भी भर देती हैं, आप UPSC का भी फॉर्म भर देती हैं, कुछ भी जो भी आया सब आपने डाल दिया, अदर स्टेट का भी एग्ज़ाम आप देने चली जाती हैं। ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, नकारात्मक है। एक तो आपके पास समय कम है, और ये चीज़ें डाइवर्ट करती हैं। आपने जहाँ भी एग्ज़ाम दिया सबका सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग है, उस तरीके से पढ़ाई की। एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको ऑफिसर बनना है या टीचर बनना है या कर्मचारी बनना है, क्या बनना है, और उस पर फोकस आ जाइए, ये हो जाइए। इस पर आप डिसीज़न खुद लीजिए कि आपको बनना क्या है, और छोटे छोटे 2-2 महीने के लक्ष्य नहीं, 1 साल कम से कम दीजिए। मोटे तौर पर 1 साल का आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, हमको अगर बनना है तो हम केवल यही एग्ज़ाम देंगे, और पूरे साल उसी को पढ़िए। एक अच्छा कोई आप देख लीजिए, जो भी बता रहा हो, जैसे हमारे चैनल पे भी अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं और आपके लिए उपयोगी है तो उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, या कहीं पर अलग आप जहाँ पे भी, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, और उस गाइडलाइन को, उस गाइडेंस को, उस एक स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हुए पूरे साल चलिए। और पूरे साल चलने के बाद में यकीन मानिए, यही जो टुकड़ों में 2-2 घंटे आपको मिल रहे हैं, और जो आपने त्याग किया है, आपने जो समय बचा के यूटिलाइज किया है, ये रंग लाएगा। अच्छी दिशा होनी चाहिए, अच्छी सामग्री होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ बिल्कुल मैं निश्चित आपको बता रहा हूँ कि जो लोग केवल पढ़ाई करते हैं, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो भी 7-8 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो भी 7-8 घंटे लगातार नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपके पास एक एज है, एक प्लस पॉइंट है कि आप हर समय लगातार पढ़ भी नहीं सकती, तो बीच बीच में आप समझ लीजिए जब परिवार के लिए चाय बना रही हैं तो अपने लिए, और परिवार को जब कॉन्फिडेंस में ले लेंगी, प्यार से बात करेंगी, मुस्कुरा के हमेशा लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देंगी, कोई कितना भी विरोध कर रहा हो
एक समय ऐसा आएगा कि आपका सपोर्ट करने लगेगा। आप इग्नोरेंस ना करने सीधा ना मत करिए, लेकिन दूसरों की बात सहने की क्षमता विकसित कर लीजिए। इग्नोरेंस करना चालू करिए, कोई कुछ आपके बारे में कह रहा है छोड़ो, कहने दो, कोई बात नहीं। और अपने पे यकीन रखिए कि हाँ समय आएगा तो मैं कर दिखाऊंगी, समय आएगा तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा, देखिए सब आसान लगेगा आपको, वाकई आसान लगेगा। ठीक है, तो ये सारे काम करिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगी। और जो अभी भी क्वेरीज आपकी होंगी उनको आप हमको कमेंट करके बताइएगा, अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक आपके गाइडेंस के लिए वीडियो और बनाऊंगा, आपसे मिलता रहूंगा। और आप अगर किसी तैयारी, किसी एग्ज़ाम की ऐसी तैयारी कर रही हैं, किसी तैयारी में जुटी हैं जहाँ से आप सेलेक्ट हो सकती हैं, और वो तैयारी खास करके IAS प्रेप पे कराई जा रही है, तो हमेशा आपके सहयोग के लिए हम तत्पर हैं। थैंक यू सो मच।